कौन नया मैंने बयान दिया जो मैं पहले बयान नहीं किया। मीडिया की बंदूक किसको सुर्खी बनाना है, किसको खारिज कर देना है, किसको किस सुर्खियों को दबा देना है, इसका चुनाव के नेतृत्व में लड़ क्या है। हमने कुछ कहा क्या है कि यही मेरे मुख्यमंत्री हैं, भाजपा नहीं है ना, और राष्ट्रीय जनता दल है, तो उनका एजेंडा कैसे चलेगा। सीड में अगले धान जो खरीफ से पहले ये अच्छे दिन आ जाएंगे। विवादों में रहने वाले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जो एजेंडा है वो उनके एजेंडे में शामिल नहीं है। उन्होंने जिन मुद्दों पर चुनाव जीता है वो उसी मुद्दे को उठाते हैं, और अगर वो गलत मुद्दे उठाते तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते। कृषि मंत्री से खास बातचीत की हमारे सहयोगी धीरज ठाकुर। अगर आज हम मंत्री हैं, आज की बात अगर कर लें तो एक अलग सवाल है सरकार के तौर पे। लेकिन वह सभी बयान जो मैंने दिए हैं, जो पिछले बयान जिनको सुर्खी बनाए हैं, वो बयान तो मेरे 17 साल के कार्यकाल में राजनीतिक करियर में लगातार वो बयान है। आपने उनको सुर्खी नहीं बनाया क्यों, ये मैं भी सवाल कर सकता हूँ मीडिया से कि कौन नया मैंने बयान दिया जो मैं पहले बयान नहीं दिया। आप हमेशा देते रहे निश्चित तौर पे। अगर आप, मैंने कहा कि वो तो आपको तय करना है कि बयान को सुर्खी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अच्छा, विधानसभा में हम 2 साल थे विपक्ष के तौर पे, तो हम कब नहीं बोले हैं, लेकिन कभी सुर्खी नहीं बनाए सब सवाल। पार्टी के जब प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब 2 बयान इसमें आ गए हों, तो इसमें किसी हमारे जैसे संगठन के छोटे कार्यकर्ता का कोई बयान का महत्व नहीं रहेगा। जो उन दोनों ने बयान दिया है वही हमारा बयान है, उससे अलग मेरा कोई बयान नहीं। तो सुना आपने, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि हमने ये जो बयान दिया है ये कोई पहली बार नहीं है, पिछले 17 साल के करियर में हमने इस तरह के कई बार बयान दिए, लेकिन इस बार मीडिया ने उसे खामखां सुर्खी बना दी। जेडीयू का एजेंडा ही हमारा एजेंडा है, तेजस्वी को देखना चाहता हूं सीएम। हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं और उन्हें मैं मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता हूं। जेडीयू का एजेंडा मेरा एजेंडा नहीं है। गलत कहता तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होता, तो सफाई देते आ रहे हैं कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। कैमूर में जी बिहार झारखंड की खबर का बड़ा असर हुआ। कैमूर